Assalamu alaikum students, my name is Niaz Ahmed and I am here to teach you math class 9. Exercise 1.6, question number 1. इस question के अंदर इसके 8 parts हैं. इसके अंदर दो methods उनसे बताए हुए हैं. Number 1, matrix inversion method और number 2, Cramer rule. तो book में दोनों तरह से हर सवाल को हमने निकालना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक सवाल एक मेथड से निकालें, दूसरा सवाल दूसरे मेथड से निकालें. हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है चीज़ को सीखना. इंशाल्लाह जब हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम दोनों मेथड से निकाल सकते हैं. तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. हम ये पहला वाला सवाल जो है वो इन्वर्जन मेथड से निकालते हैं. तो बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ये चूँकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है दूसरे क्रैमर रूल की निस्बत, इसलिए हम इससे शुरू करते हैं. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने कोफिशेंट ले लेने हैं एक्स और वाई के, टू टू. ये याद रहे कि साइन के साथ ही लेने हैं माइनस टू और प्लस टू. ये हमारा हो जाएगा ए, और उसके बाद इसके साथ ही x और y लिख लेने हैं इज इक्वल टू 4 और 6. आपको बेसिक बता दूं, बेसिक क्या है कि ये हमने x और y क्यों लिखा है. मल्टीप्लिकेशन रूल के तहत अगर मैं इस रो को इस कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे क्या बनता है. इस रो को इस कॉलम के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x माइनस 2y, ये देखें हमारी पहली वाली इक्वेशन बन गई. इसी तरह से जब दूसरी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x माइनस 2y, 3x प्लस 2y, तो चूंकि मल्टीप्लाई में प्लस होता है तो ये देखें 3x प्लस 2y. इसलिए इस पूरी इक्वेशन को 2x माइनस 2y और 3x प्लस 2y को 2 माइनस 2 3 2 और मल्टीप्लिकेशन के तरह से लिख के एक्स और वाई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली सेम टू सेम यही इक्वेशन हमारी आ जाएंगी और इज इक्वल टू 4 और 6 है. तो मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स की शेप के अंदर इसको इस तरह से हम लिखते हैं. तो स्टूडेंट, यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गई होगी. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये हमारा ए होता है, ये हमारा एक्स होता है और ये हमारा बी होता है इज इक्वल टू बी. तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई कि ए एक्स इज इक्वल टू बी. चूँकि हमने एक्स और वाई फाइंड करना होता है इसलिए ए को हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं और उसका जाकर वहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो रेसिप्रोकल जब होगा तो हमारे पास ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी, एक्स इधर का इधर रहेगा और ए उधर जाके रेसिप्रोकल जब कर देगा तो ए इन्वर्स हो जाएगा और इन टू बी. तो इस तरह से हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स इन टू बी एक इक्वेशन आ जाएगी. इससे हम x की वैल्यू यानी x और y की वैल्यू निकाल लेंगे. तो यहाँ से हमें क्या, सबसे पहले a इनवर्स हम निकालेंगे. जब a इनवर्स हमने निकालना है तो इसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, नंबर 1 a डिटर्मिनेंट और उसका एडजॉइंट. तो सबसे पहले a लिखते हैं, a लिख के 2 माइनस 2 3 और 2. अभी इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा हमारा, आगे ले लेते हैं ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2. इस तरह से ये 4 माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 10. तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 10 हो जाएगा और एडजॉइंट भी हमें पता है, हम डायरेक्ट एडजॉइंट वो ए इनवर्स के अंदर ही पुट कर देंगे. तो ए इनवर्स हमारे पास हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो एडजॉइंट ऑफ ए पहले हम ऊपर लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए 2 और 2 की जगह रिप्लेस कर देंगे और यहाँ दूसरे के साइन चेंज कर देंगे, ये साइन हमने चेंज कर दिए, और डिवाइडेड बाय 10
यहाँ पे ये हमने 10 लगा दिया। तो स्टूडेंट्स जब हम मल्टीप्लाई एक और मैट्रिक्स के साथ हमारे होना है, तो इसको मैंने पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, इसको साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ यहाँ पे ऊपर लिख देंगे, इसको डायरेक्ट हम इनको डिवाइड करते नहीं हैं, सिंपल 1/10 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और लास्ट पे जाके हम इसको डिवाइड करेंगे, 2, 2, -3 और ये 2। तो इस तरह से ए इनवर्स हमारे पास आ गया। अब एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स हमारे पास मौजूद है और साथ बी है, बी की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इस तरह से हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू पूरी की पूरी ले लेंगे, 1/10 इंटू 2, 2, -3 और 2 और मल्टीप्लाई बाय बी, बी की वैल्यू है 4 और 6। इस तरह से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/10 वैसे का वैसे रखेंगे और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, पहली रो पहला कॉलम 2 × 4 + 2 × 6 एक नंबर बन जाएगा और दूसरा नंबर क्या बन जाएगा, -3 × 4 + 2 × 6 ये दूसरा नंबर बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास 1/10 और यहाँ पे 8 + 12 और नीचे हो जाएगा -12 + 12, इस तरह से 1/10 और हमारे पास आ जाएगा 20 और नीचे आ जाएगा 0 और अभी 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ये हो जाएगा 20 × 1/10 और 0 × 1/10 और इस तरह से हमारे पास यहाँ से x, यहाँ पे आप साथ साथ x लिखते जाएंगे, यहाँ पे x है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई ये 2 और ये 0, ऊपर 2 आ जाएगा नीचे 0। तो x क्या है, x हमारे पास है स्टूडेंट्स x और y है, ये x के बराबर है, ये हो जाएगा 2 और 0, ऊपर वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स का, नीचे वाला वाई का, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और वाई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इन्वर्जन मेथड को बड़े अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। ए इनवर्स है, ए इनवर्स की वैल्यू ले लेंगे, बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। और दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में हमारे पास वैल्यू दी गई है, हम उसको मैट्रिक्स क्रैमर रूल से करते हैं, तो वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं, 2x + y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 और 6x + 5y + 5y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो इसको स्टूडेंट्स हम क्रैमर रूल से करेंगे, बाय क्रैमर रूल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय क्रैमर रूल, उसी तरह से इसके भी मैट्रिक्स की शक्ल दे देंगे, इसको भी मैट्रिक्स बनेंगे, तो इसके कोफिशिएंट ले लेंगे, 2 है, 6 है, 1 है जिसका कोई नहीं होता, वाई के साथ कुछ नहीं तो 1 होता है, ये 5 है, सारे प्लस के हैं तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे, साथ एक्स और वाई लगा दूंगा, ये हम देख चुके हैं कि 2x + y हो जाएगा और ये 6x + 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 3 और 1। उसी तरह से ये हमारे पास a हो जाएगा और ये हमारे पास x हो जाएगा, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास b है। क्रैमर रूल बहुत आसान है, इसको तरीका मैं एक आसान तरीका आपको स्टूडेंट समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमें a चाहिए, तो a लिख लूँगा और a की वैल्यू पुट कर दूँगा, 2, 1, 6, 5। स्टूडेंट देखें, इसके बाद मैं इसको ना ए एक्स बना रहा हूँ, यहाँ पे a मैंने ले लिया, यहाँ पे मैं इसको ए एक्स ले लूँगा, ए लिखेंगे छोटा एक्स लगा देना, ए एक्स बना दूँगा। देखें ये वाली बी वाली वैल्यू पहले वाले खाने को रिप्लेस कर देंगे आप, तो ये हमारे पास इस खाने को रिप्लेस कर देंगे इस कॉलम को बी वैल्यू के साथ, तो ये हमारे पास ए एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 6 की जगह आ जाएगा 3 और 1 और यहाँ पे रह जाएगा 1 और 5, तो ये बन गया हमारे पास एक्स। और इसी तरह से अगर सेकंड को, सेकंड जो कॉलम है उसको हम रिप्लेस कर देंगे बी के साथ, तो वो हमारे पास बन जाएगा ए वाई, तो ए वाई बन जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ये रिप्लेस हो जाएगा, ये पहले का पहला वैसे रहेगा, 2, 6 जो है वैसे रहेगा और ये रिप्लेस हो जाएगा 1, 5, उसकी जगह आ जाएगा 3 और 1।
इस तरह से ये तीन चीज़ें हमारे पास आ गई, ए ए एक्स और ए वाई। यहाँ पे आप इनका तीनों का डिटर्मिनेंट ले लें, ये इनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट और उसी तरह से ए एक्स का डिटर्मिनेंट और इधर ए वाई का डिटर्मिनेंट, ऐसे। तो इनके हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तीनों के, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 5 2 10 डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ये 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, और ये 5 3 15 माइनस 1 1 1 इज इक्वल टू 14, और उसी तरह से ए वाई 2 1 2 माइनस 6 3 18 तो इज इक्वल टू माइनस 16। ये तीन हमारे पास आ गए, एक ए डिटर्मिनेंट, एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट। बहुत आसान है इसके बाद कि एक्स की वैल्यू जब आपने निकालनी है तो इज इक्वल टू ए एक्स और ए इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट। सिर्फ याद रखने के लिए कि ये कैसे लिखते हैं, एक बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान। ये देखें, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यस फाइंड करनी है, a डिटर्मिनेंट है, ax डिटर्मिनेंट है। सिर्फ याद करने के लिए, ये कोई तरीका पेटेंट मैथमेटिकली तरीका नहीं है, सिंपल मैं आपको सिर्फ आपके याद के लिए ये बता रहा हूँ। देखें, a से a क्रॉस हो गया, बाकी सिर्फ x बच गया, तो x की वैल्यू, a से a क्रॉस हो गया, सिर्फ y की वैल्यू बच गई, तो सिर्फ y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ए एक्स क्या है हमारे पास, 14 इज इक्वल टू, आप कर देंगे 14, और a की वैल्यू, a डिटर्मिनेंट की 4 है, इज इक्वल टू 4, 7 2 और 7 2, ये 7/2 हमारे पास आ जाएगा इसका जवाब। और इसी तरह से y की वैल्यू, ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स, माइनस का 16, माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, 4 1 4, 4 4 16, तो माइनस 4। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7/2 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 4। स्टूडेंट, ये था हमारा क्रैमर रूल। नेक्स्ट सवाल हम करेंगे इन्वर्जन मैथड से। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 3, इसको हम भाई मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करते हैं। उसी तरह से इसके पहले कॉलम, इसके मैट्रिक्स बना लेंगे, 4 3 प्लस का 2 और माइनस का 1, ये हमारे पास हो जाएगा ए, और उसके बाद यहाँ पे इसके आ जाएगा एक्स और वाई, और इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 1, ये हमारी हो जाएगा बी। इस तरह से ये हमारा ए, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, और उसी तरह से एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यहाँ तक हमारे पास ये आ गया, ए इनवर्स हम निकालेंगे। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले ए, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए हमें, ए 4 2 3 -1, और इसके साथ इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 और माइनस 3 2 6, इस तरह से माइनस का 10, ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए माइनस 1 और 4 की जगह तब्दील कर दी हमने, और ये साइन चेंज कर दिए, माइनस 3 और 2 के माइनस चेंज कर दिए साइन, और नीचे माइनस 10, ये माइनस 10 साथ मिला के लिख देंगे, इसके ए इनवर्स हमारे पास आ गया। अभी डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, x इज इक्वल टू, नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ, जगह कम है, x इज इक्वल टू हमारे पास a इनवर्स और b, पहले a इनवर्स लिख देते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स है माइनस 1/10, और इसके साथ माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और 4, और मल्टीप्लिकेशन है इसके साथ किसकी, 8 और माइनस 1 की, तो ये 8 और ये माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 10, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पहला कॉलम, पहली रो, पहला कॉलम, प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, और इस तरह से दूसरी रो और कॉलम, प्लस 4 × -1 इज इक्वल टू माइनस 10 1/10 डिवाइडेड हो रहा है माइनस 8 प्लस का 2, और ये हो जाएगा माइनस 24 माइनस का 4।
इस तरह से हमारे पास माइनस वन ओवर टेन और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का सिक्स और यहाँ पे माइनस 28। अलग-अलग इसको कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस सिक्स ओवर टेन और ये हो जाएगा आपका माइनस 28 बाय टेन। इस तरह से माइनस टेन, ये माइनस 28 है, ये माइनस टेन, इसका भी माइनस होगा, इसका भी। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप साथ एक्स एक्स लिखते आएंगे या एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, एक्स और वाई होता है, तो यहाँ पे आप एक्स और वाई लगा दें, यहाँ भी एक्स और वाई लगा दें और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 2 6 और 5 2 10, 3/5 और 14/5। ये इस तरह से आपकी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी जिसमें आप x इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा और y आपका हो जाएगा 14/5। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने तीन सवाल किए, दो इन्वर्जन मेथड से, एक क्रैमर रूल से। अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले सवालों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।